ओके, सो लास्ट क्लास हमने कहाँ तक किया था, इसके अंदर आपको चेन प्रॉब्लम्स बताई थी क्या? चेन प्रॉब्लम में हमने रॉड का डिस्कस किया, तो रॉड में अगर कोई एक रॉड है और ग्राउंड से बात नहीं, एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल एम और उसका लेंथ है कैपिटल एल, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अपन कितना बताएंगे, एम जी टोटल लेंथ एल है, तो वो कितने पे होगा, एल बाई टू पे, पोटेंशियल एनर्जी हो गई एम जी एल बाई टू, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड, अगर रॉड के जगह पे कोई चेन होता तो भी उसका पोटेंशियल एनर्जी सेम ही आता, ठीक है, समझ रहे हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, जरा तो पहले बेंच पे अरे जल्दी, सेम ऐसे ही हमने ये चेन को अगर वर्टिकल खड़ा कर दिया तो इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है एम जी एल बाई टू। अच्छा, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल बाई टू बोल रहा हूँ तो मैंने कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है, ग्राउंड पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी क्या कर ली है, जीरो मानी, ये भैया लोग सब गए बाहर गए यही है, आई नहीं गया, ओके, और कौन नहीं है, कोई बाहर गया हो जूस पीने, ये जाता है ना, हाँ जाता है ना, कुछ लेके नहीं आते क्या, ऐसे थोड़ी होता है, बाकी लोग नहीं खा रहे, घर से खाते हैं बड़े ऐसे बैठ के, अच्छा उनके लिए थोड़ा सा मास नीचे कर लो है ना, थोड़ी पूरी दिख रही है, अच्छा मास थोड़ा बड़ा बना हुआ है ना, छोटे मास से सो इसमें फिर मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी एक प्रॉब्लम कराया था कि टेबल पे हाफ ऑफ द जो रिंग है सॉरी हाफ ऑफ द चेन है वो टेबल के ऊपर है और फिर उसको रिलीज कर रहे हैं, तो जब वो पूरा पार्ट टेबल से निकल जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये किया था मैंने और आपको एक होमवर्क दिया था, क्या आंसर आया उसका, रूट 15 जीएल बाई 4 कितने का आ गया, बाकी लोगों ने सॉल्व नहीं किया, करो तुरंत जल्दी जल्दी करो, बहुत लोगों ने नहीं किया, कितनों ने नहीं किया, जो प्रॉब्लम दिया था कितनों ने नहीं किया, जल्दी करो, छोटा सा प्रॉब्लम है, जिनका हो गया, क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना पार्ट नीचे है, एल बाई फोर नीचे है, इनिशियली एल बाई फोर नीचे था, टेबल के ऊपर कितना है, ये एल बाई फोर टेबल के नीचे और थ्री एल बाई फोर ऊपर, और ये जब यहाँ पे हो जाए टोटल लेंथ कितना L, तो पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मानना है, जीरो, तो ये कहाँ है नीचे, कितना इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, L by 4 का आधा कितना, L by 8, तो इसका मास कितना, M by 4 G L by 4 का हाफ, तो ये टोटल कितना हो गया, एम जी एल बाई 8 इंटू 4 32। अच्छा फाइनली देख लो, अब यहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी, V, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, मास कितना है टोटल, एम जी लेंथ कितना है, L by 2, तो ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और ये स्पीड कितनी है, V, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना, जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये प्लस रहेगा कि माइनस, माइनस, ये भी क्या रहेगा, माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो माना है, तो इसके नीचे जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा कौन सा लगाए, कौन सा वर्क एनर्जी थ्योरम,
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होगा, ये भी बोल सकता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जो वर्क करने वाला है सिर्फ एक फोर्स है, कौन? ग्रेविटी, और ग्रेविटी कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स है, और सिर्फ और सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना है? माइनस एम जी एल बाय 32। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना है? एम जी एल बाय 2। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है? हाफ एम वी स्क्वायर। निकाल लीजिए वी कितना आएगा यहां से, एम एम कट गया, जी के टर्म्स में वी की वैल्यू आ जाएगी। निकालो भी कितना है, समझ जो ओम कुटवानी कितना रूट 15 जी एल बाई 2। सबको फाइनल आंसर आ रहा है अंडर रूट 15, सॉरी अंडर रूट 15 जी एल बाय। कितनों को मैच किया बाकी जनता फटाफट से आप लोग, एक और इस पे सिमिलर क्वेश्चंस करा देता आपको, लास्ट क्वेश्चन फिर ये चेन प्रॉब्लम खत्म। इसका मैंने वर्क सॉरी न्यूटन्स लॉ में भी एक चेन प्रॉब्लम बताई थी मैंने कि कितना पार्ट सॉरी म्यू कितना हो ताकि वो नीचे गिरे, तो फ्रिक्शन फोर्स को इक्वेट करना है mg वाले पार्ट से। ठीक है तो लिखें अ चेन ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड मास कैपिटल M, अ चेन ऑफ लेंथ कैपिटल L एंड मास कैपिटल M इज हैंगिंग विथ, इज हैंगिंग विथ वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ, is hanging with one third of its length, is hanging with one third of its length below the table full stop, it is released from this position. It is released from this position. Then find the speed of the chain when half of the chain is below the table. When half of the chain is below the table. इस वाले पहले वाले का तो आंसर 15 जी एल बाय 4 था, इसमें पहले कितना पार्ट टेबल के नीचे 1/3 दैट इज एल बाय 3, और बाद में कितना हो रहा है ये अभी एल बाय 3 है तो ऊपर कितना होगा 2L/3। कुछ टाइम बाद में क्या हो गया L/2 नीचे है और L/2 ऊपर है। आपको बताना है इस इंस्टेंट पे स्पीड v कितनी हो, रूट gl/6। बाकी लोग भी निकाल के देखो, मासेस चेंज कर लेना भाई,
कितना पार्ट। अच्छा ये बताओ ये इंटायर का स्पीड भी होगा कि सिर्फ नीचे वाले पार्ट का? इंटायर का बेटा, अगर l बाई थ्री से l बाई टू हुआ है ये लेंथ बड़ा है तो ऑब्वियस है ये पार्ट पूरा का पूरा खसका होगा, मतलब इस साइड मूव किया होगा। ये तो कौन सा है, कंस्ट्रेंट मोशन है। अगर इस वाले पार्ट का स्पीड भी है तो पीछे वाले पार्ट का भी स्पीड भी होना चाहिए, नहीं तो ये इधर से इधर आया इसका मतलब ये वाले पार्ट को यहां मूव करना है थोड़ा सा। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी होगी रोहित? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? M by 3 G L by 3 और उसका हाफ माइनस साइन, तो टोटल कितना हुआ? MgL ये 6 × 3 18 इधर नेगेटिव साइन, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना पार्ट है अभी? आधा पार्ट। तो मास कितना हो गया इसका? हाफ G L by 2 का आधा L by 4 और नेगेटिव साइन कितना भाई है? माइनस MgL by 8। ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अच्छा काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था? जीरो। बना लो आंसर आ जाए रूट 5 GL by 6। सॉल्व करो, बाकी लोग भी जिनका नहीं हुआ है ये लास्ट का, इसके अंदर अपन ने सारे पार्ट आपको बता दिया। मास पूरा कौन सा? मास काइनेटिक एनर्जी पूरा मास लिया है। हां तो आधे नीचे है, आधा नीचे नहीं। अरे सुनो स्पीड तो सभी में आएगी ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे अब ये देखो ये चेन कैसी है, कंटिन्यूस बॉडी है। देखो इधर देखना एक बात सुनो, अगर मैं इसको v स्पीड से खींचू तो बेटा पीछे वाला पार्ट भी तो v स्पीड से आ गया ना। तो ये वाला पार्ट है, अब मैंने इसको नीचे खींचा तो ये वाला पार्ट क्या हो रहा है? टेबल को छोड़ रहा है ना, क्यों आगे जा रहा है ये। तो जो इसकी नीचे वाले की स्पीड होगी वही क्या होगी? ऊपर वाले की। याद करो ये वाला कंस्ट्रेंट मोशन, पहले मैंने रिलीज किया, पहले दोनों कैसे थे? रेस्ट पे। ये एक ब्लॉक है और एक यहां पे है और एक ये है। तो अगर ये नीचे ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये ए से इधर, अगर इसकी स्पीड नीचे की तरफ वी है तो इसकी भी स्पीड क्या होनी चाहिए? वी। ठीक है, सेम स्पीड, क्योंकि दोनों क्या है? कंस्ट्रेंट मोशन। अगर ये आगे वाले पार्ट की स्पीड वी है तो इसकी भी कितनी है? वी है। अगर सर इसकी स्पीड अलग और इसकी स्पीड अलग, इसका मतलब ये रुका हुआ है और ये क्या हो गया? मूव कर रहा है, मतलब टूट गया। तो अपनी चेन जो है वो टूटी नहीं है, कंटिन्यूस चेन है। समझ में आ रहा है इतना पक्का? ओके, तो इसके साथ में अपने चेन प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। अब एक इसका लास्ट और फाइनल पार्ट बाकी है, उसके अंदर डालो हेडिंग डालो, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हेडिंग डालो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो बस ये क्या है वो तुम कुछ ऊपर पहने नहीं, ठंडी लग रही? नहीं, कान में तो मेरे साथ
अरे कुछ पहन के रखो नहीं सर्दी हो जाएगी। बेसन सर को भी थोड़ी बहुत हो गई थी, फिर बोले मैं सुबह सुबह दवाई खा लेता ठीक हो जाऊंगा। बोले देखो अगर ठीक हुआ तो ही लेक्चर लूंगा, नहीं तो आज अपना कंटिन्यू होगा। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपसे क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, और सिर्फ एक चीज समझनी है वर्टिकल सर्कुलर, बाकी सारे इसके एप्लीकेशन होंगे। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक बीच में सेंटर और इससे एक वायर लगी हुई है, यहां पे बॉब है मास एम का और इसका ये लेंथ है मान लो एल या आर, ठीक है। अब मैंने क्या किया इसको कोई एक स्पीड दी वी बॉटम पे मैंने क्या किया इसको एक स्पीड दिया जैसे, और सर्कल कैसा ये वाला, ये कैसा सर्कल है वर्टिकल सर्कल। तो आपसे इसके अंदर एकदम सिंपल सिंपल सवाल पूछता, पहला सवाल पूछता ये कि मैं यहां से नीचे से इसको कितना स्पीड दूं ताकि ये पूरा एक चक्कर बना ले। मिनिमम स्पीड दैट शुड बी गिवन एट द बॉटम, मिनिमम स्पीड कितनी दूं ताकि ये एक क्या कर ले सर्कल कंप्लीट कर ले। इसके दो तीन तीन मोशन होते हैं, कौन से तीन मोशन देखो, एक तो है मैंने इसको स्पीड दिया, क्या मोशन कर रहे हैं ऑसिलेशन। अच्छा क्या ये क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर पा रहेगा, नहीं, देखो यहां तक पूरा क्या कर रही है ऑसिलेशन ही कर रहा है, ठीक है। अप टू यहां से बॉटम से लेके जब तक ये 90 डिग्री नहीं हो जाता, और इस बीच में अगर इसकी स्पीड जीरो होती है तो मोशन क्या करेगा ऑसिलेशन। एक मोशन है कि ये यहां से मतलब 90 डिग्री से ऊपर जाए और 180 से कम आए, तो कौन सा मोशन ये वाला, देखो इधर गया यहां से लेके यहां गया और फिर क्या हो रही है ऐसे जा रहा, इसको बोलते हैं यहां से जाके इधर और फिर यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन करता। देखो इधर ये तो ऑसिलेशन हो, देखो बीच में रस्सी लूज हो गई, टेंशन जीरो हो गया, देखो देखिए रस्सी कम हो जा रही है, तो ये वाला इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। और थर्ड कौन सा है पूरा सर्कल, मिनिमम कितनी स्पीड दे, मिनिमम कितनी स्पीड दे ताकि ये क्या कंप्लीट करे अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता रहे। तो आपसे सवाल ये रहता आपको आंसर रखने कि मैं नीचे कितनी स्पीड दे रहा हूं, नीचे बॉटम पे कितनी स्पीड दे रहा हूं ताकि ये अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। अच्छा जरा मुझको ये बताओ जब मैंने इसको नीचे स्पीड दिया तो ऊपर जाते जाते स्पीड घट रही है कि बढ़ रही है, देखो नीचे तो सबसे ज्यादा जल्दी से नीचे क्रॉस करता और ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए वी स्पीड दिया, अच्छा वी स्पीड दिया और ये क्या कर रहा है एक वर्टिकल सर्कल क्रॉस, ठीक है, यहां से पॉइंट ए मान लो और मान लीजिए ये ऊपर जा रहा, ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने क्रॉस करवा दिया इसको, बस आप सिर्फ इतना मान के चलो यहां तक इसने एंगल थीटा कवर किया, कितना एंगल कवर किया थीटा, हमने अभी तक उसको पूरा ऊपर नहीं पहुंचाया, हमने सिर्फ उसको एंगल थीटा पहुंचाया। तो थीटा जब जा रहा है पहले जरा ये बी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ए, पॉइंट ए को जब एनालाइज करो, पॉइंट ए को कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ए पे, देखो मास है ऊपर क्या लग रहा है नीचे क्या लग रहा है एम जी और स्पीड कितनी वी, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय एल दैट इज लेंथ, है ना, कितने को समझ में आ रहा है ये इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन रेडियल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एम वी आर, और व्हाट इज एम वी स्क्वायर बाय आर रेडियल एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में कितनी एक्सेलरेशन होती है, कौन कौन सी सेंट्रीपिटल है रेडियल दैट इज सॉरी सेंट्रीपिटल और रेडियल या एक और है टेंजेंशियल, ठीक है, तो ये कौन सी है रेडियल एक्सेलरेशन है, दिस इज एम वी स्क्वायर बाय एल दैट इज आर है,
अच्छा हाँ, दूसरी एक और चीज इसके अंदर देखो, ये तो हो गया। अब आपने B पे एनालाइज किया एट पॉइंट B, तो ये वाला ऐसा है, ये एंगल थीटा है। यहां पे ये था पहले T1, पहले कितना था T1, तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी। अब देखो यहां पे टेंशन T2 मान, नीचे क्या है अभी भी एम जी, रेडियल एक्सेलरेशन हो, तो इसका एम जी का कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा, दिस इज एम जी कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और स्पीड कौन किधर है, वी टू भी हो जाएगी। देखो आपने अभी बोला ना सर, जैसे जैसे ऊपर जा रही है स्पीड क्या हो रही है, कम होती जा रही है, तो इसकी जो इक्वेशन है पॉइंट बी पे वो क्या आ जाएगी, T2 माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाय एल। अब T2 की वैल्यू कितनी आई, एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब ये बताओ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेंशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, देखो देखो ध्यान से सुनना, पहले टेंशन कितना था एम वी स्क्वायर बाई एल, यहां पे एम वी टू स्क्वायर बाई एल। अच्छा किसका स्पीड ज्यादा है, ये पहले यहां बॉटम पे था तब वी ज्यादा था कि यहां पे वी टू ज्यादा है, वी वन बॉटम पे था तब स्पीड कितनी थी, मान लो वी वन बोल देता हूं और इसकी स्पीड बोल देता हूं वी टू, कौन बढ़ा है, वी वन बढ़ा है कंपेयर टू वी टू, तो इसको वी वन बोल देता हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आए। अच्छा वी टू छोटा है, V2 क्या है छोटा है, तो ये टर्म भी क्या हो गया कम, यहां पे टोटल कितने है mg, और ये क्या है mg cos थीटा, ठीक है mg cos थीटा, यहां पे थीटा 0 डिग्री था और थीटा की वैल्यू बढ़ रही, थीटा की वैल्यू बढ़ रही, तो ये क्वांटिटी क्या हो रही है कम हो जाए, cos 90 डिग्री कितना होता है 0, यानी कि थीटा की एंगल बढ़ी और cos 0 डिग्री, तो यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी कि वी भी कम हो रहा थीटा भी कम हो रहा, तो ओवरऑल टेंशन क्या हो रहा है कम हो रहा, ओवरऑल टेंशन क्या हो रहा कम हो रहा, तो सबसे ज्यादा टेंशन कहां पे होता है बॉटम पे, फिर धीरे धीरे टेंशन क्या होता है कम, ठीक है। तो पहले ये एक बार ड्रॉ कर लो, फिर अपन धीरे धीरे केसेस भी डिस्कस करेंगे, पहले ड्रॉ करो वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल ड्रॉ करके उसमें पहला लिखो इफ वी एनालाइज द मोशन सबसे पहले हम मोशन को बॉटम पे एनालाइज करते हैं। टेंशन नहीं, देखो ड्राइविंग फोर्स इसमें एक चीज है, आपने कुछ टेंशन दे रखा है इसको, ऑब्वियस है कुछ ना कुछ होगा, मेन होगा सब कुछ आपने स्पीड देने से, और कोई चीज ऐसे लटकी हुई है और उसको गोल घुमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा वी देना पड़ेगा, अगर वी जैसे दिया तो ज्यादा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अगर सर्कल में घूम रहा है तो टेंशन को ज्यादा बड़ा होना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप स्पीड दोगे तो अब इसको गोल सेंटर कौन है, ये घुमाने वाला फोर्स कौन है ये, तो ये तो हमेशा सेंटर की तरफ ही डायरेक्टेड रहेगा ना, टेंशन जो है ये पॉइंट पे लगा हुआ तो हमेशा सेंटर की तरफ ही है। अब बाकी कंपोनेंट्स क्या है ना, एमजी का ही क्यों लिया, एमजी का इसके वजह से लिया क्योंकि एक एमजी का कंपोनेंट इसको स्टॉप करने का ट्राई कर और एक जो है इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम है आपको कौन सा फोर्स लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या ये पक्का सिद्धांत, थोड़ा सा ऊपर कर लो उसको जेठा, तुम्हें क्या हो गया,
नेशनल लग रहा है। किसने कुछ बोल दिया केदार ने, पार्थ ने, पार्थ कौन हुई? कई जगह पे क्या हो गया अर्जुन, बुला रहे उसको क्या हो? नहीं चाहिए था तो वो तो ऐसे दे देता, कान में बोलने की जरूरत है? अरे सुन, नहीं चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास पेन नहीं है। वहां देखो रोहित बगल में बैठा हुआ, उससे मांग लो, मनीष से मांग लो, कम से कम दो दो तो कैरी करते होंगे वो लोग। सामने वाले मनन से मांगो, कौन तो पूरा डब्बा भर के लेके आते ना तो? अरे देखो जोगी को देखो, कितना बड़ा डब्बा है, तो स्टॉल लगा सकता पहन के। दे दे दे, रख लो, जोगी दे रहा। ओके, अब इसके अंदर सीधा सा एक पॉइंट लिख लो, एट पॉइंट ए द टेंशन इज मोर, एट पॉइंट ए द टेंशन इज मोर कंपेयर टू द पॉइंट बी, द टेंशन इज मोर compared to the point B. Because reason क्या है? Because, एक सेकेंड है, बस ये reason लिख लो, because as h increases ये बॉटम से हाइट बढ़ेगा तो थीटा क्या होगा? बढ़ेगा, कॉस थीटा घटता, कॉस थीटा घटने वाला है, और वी जो है वो भी क्या होता है? वी भी क्या होता है? कम होता है, तो टेंशन क्या होगा? टेंशन कम होता रहेगा। सबसे ज्यादा टेंशन कहां होता है? बॉटम पे, सबसे ज्यादा टेंशन बॉटम, सबसे ज्यादा टेंशन बॉटम पे होगा, और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है उसका टेंशन कम होता जाएगा। हाँ, 1 पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगा। अभी रुक जाओ, अभी उसी पे, फिर नेक्स्ट लिखो, मोशन एट दी टॉप मोस्ट पॉइंट, मोशन एट दी टॉप मोस्ट पॉइंट, ये तो क्लियर है सबको। अब टॉप मोस्ट पॉइंट को एनालाइज करते हैं, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट बी बोलते हैं क्या? ओके, अब पॉइंट डी हम देखना चाह रहे हैं, यहां पे टेंशन नीचे की तरफ होगा कि नहीं? तो यहां पे टेंशन नीचे की तरफ है, पॉइंट डी टेंशन नीचे की तरफ, और एनजी भी नीचे की तरफ, और वो बराबर किसके होना चाहिए? एन बी स्क्वायर बाय एन डी लिख दिया ना, बाय एन। अच्छा आप मुझे ये बताओ, कौन
अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे देखो स्पीड तो कुछ ना कुछ रहना चाहिए और स्पीड रहेगा भी, क्यों? क्योंकि mg जीरो नहीं हो सकता। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं एट दी हाईएस्ट पॉइंट ये स्पीड मेरे को मिनिमम चाहिए, एट दी हाईएस्ट पॉइंट, एट दी हाईएस्ट पॉइंट इफ t जीरो, अगर t जीरो हो जाए तो क्या स्पीड मिनिमम आ जाएगा? t जीरो हो जाए तो यहां से इक्वेशन कितनी बनी, mg इज इक्वल्स टू एम वी डी का स्क्वायर बाय एल, यहां से वीडी की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट जीरो। तो मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट जीएल, और अंडर रूट जीएल ये स्पीड किसके वजह से है, क्योंकि एम जी लग, टेंशन मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया क्या टेंशन जीरो होगा, नहीं मैंने माना है कि ये मिनिमम स्पीड हो सकती होगा, मिनिमम इतनी स्पीड तो रहेगी रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे एम जी लग रहा है और सिर्फ एम जी लग रहा है वो सर्कुलर मोशन करा रहा है, स्पीड कहां पे इधर, mg कहां पे नीचे, सर्कुलर मोशन हो गया तो ये इसको किधर करेगा, इधर धक्का देगा, और जैसे ही इसने इसको नीचे धक्का दिया तो क्या हुआ, g लग रहा तो बॉडी क्या करेगी, स्पीड उसकी बढ़ने ही वाली, जैसे यहां पे सुनो जरा, यहां पे पॉइंट है और नीचे mg लग रहा और आपने स्पीड थोड़ी सी भी दे रखी है तो ये क्या कर जाएगा, ऊपर से थोड़ी सी भी स्पीड दे रखी है ये पूरा का पूरा 180 डिग्री तो घूमेगा, ठीक है। सो मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज अंडर रूट gl, लिख लो इसको, लिख लिया सभी ने, हम नोट करके लिख भी लो, द मिनिमम स्पीड, द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज अंडर रूट gl, द मिनिमम स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट is under root gl, minimum speed, free fall नहीं करेगा क्योंकि उसकी स्पीड इधर है, हाँ नहीं नहीं projectile देखो जैसे ही ये इधर आएगा जैसे थोड़ा सा भी hint आया तो इसकी स्पीड बढ़ी और स्पीड बढ़ते से ही इसका टेंशन वापस recreate हो जाए, जैसे ही थोड़ा सा भी ऐसे करो तो अपने आप ही टेंशन पूरा घूम के आता, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन मार्क डालो, सॉरी क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन लिखो, ये व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड टू बी गिवन, व्हाट शुड बी the minimum speed to be given, what should be the minimum speed to be given to the body at the bottommost point, to the body at the bottommost point so that it completes an entire loop, so that it completes an entire loop, so that it completes an entire loop. अच्छा कोई बंदा है जिसने यहां से इसको ऐसा स्पीड दिया, आपने कभी खेला है क्या ऐसा कुछ छोटी सी चीज बांधी और यहां से ऐसा स्पीड दिया कि वे चाहता है कि नहीं, पेनफाइट में भी करते होगे ना आप लोग, एक कोने में मारा जो पूरा एक चक्कर मार सकता है कि नहीं, ठीक है। सो अब आपको मिनिमम स्पीड निकालना है तो एकदम सिंपल तरीका है, मिनिमम ऊपर बी पॉइंट में मिनिमम स्पीड कितनी है, रूट जी है। अब मुझे पॉइंट ए और डी को एनालाइज करना है, यहां पे बी ए बोल दो इसमें या बी वन बोल दो, तो हमने सबसे पहले यहां पे ये बताओ ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 है। ओके
अब किसने वर्क किया होगा? एमजी ने, ग्रेविटी ने। टेंशन कोई वर्क करता है क्या? नहीं। वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। क्यों? टेंशन इधर लग रहा और बॉडी हमेशा कैसे चल रही है? परपेंडिकुलर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। तो हम लोग सिंपल सी एक चीज लगा सकते हैं कि एट पॉइंट ए क्या इक्वेशन थी? टी ऊपर एम जी नीचे इज इक्वल टू एम वी ए का स्क्वायर बाई एल। ये तो आई गई थी अपनी इक्वेशन। और पॉइंट डी पे अपने को वी डी कितनी आई थी? अंडर रूट जी एल आई थी। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहता हूं, ठीक है? एनर्जी कंजर्वेशन क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन वर्क कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसको क्या लिख सकता हूं? दिस इज माइनस डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू डेल्टा के। तो यहां से डेल्टा के प्लस डेल्टा यू कितना हो जा रहा? जीरो। तो यहां से के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर कितना होगा? के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना है? हाफ एम वी ए का स्क्वायर। अच्छा, आप पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना माने? देखो यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं मान लेता हूं जीरो। तो बताओ यहां पे कितनी हो जाए? टू एम जी एल। समझ में आ रहा? हाइट कितनी हो गई? 12 की हो गई। मास जी एम जी टू एल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना? जीरो। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना? हाफ एम वी डी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना? टू एम जी एल। क्या कट गया सबसे जगह से? मास कट गया। वी डी की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट जी एल। तो यहां से मास कट गया। हाफ वी ए का स्क्वायर इज हाफ वी डी कितना है? अंडर रूट जी एल। तो वी डी का स्क्वायर और ये कितना है? तो जी एल मल्टीप्लाई करो जरा, ये कितना बनेगा? हाफ 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 से मल्टीप्लाई करते थे तो वी ए का स्क्वायर जी एल प्लस फोर जी एल। तो वी ए की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट फाइव जी एल। लिख लो वी इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव जी एल। स्कूल 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ये मंडे से हो रहा है? हो गए, ये मंडे से हो गए ना? 24 से हो गए। कॉलेजेस 1 तारीख से आया क्या? गोविंद का आया सर, उसका ही आया लेकिन वो सीएम ने बोल दिया। किसने? सीएम ने बोल दिया। अच्छा, इशू हो गया कॉलेज वाले परेशान।
कॉलेज एक साल का वैसे निकल गया, जनवरी हो गया, अप्रैल में एक साल वैसे कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोगों का कॉलेज सही से होना चाहिए। कल सीरियस का होना है, सीरियस बोलता है सर इतने सारे इवेंट हो रहे हैं, ये सैटरडे संडे इतने क्लब एक्टिविटी और कुछ। जयेश तो सॉरी जय जो है बोले कि अंडर वाटर रोबोटिक्स जो है वो सब क्लब्स ज्वाइन किए हैं तो उसके अंदर बहुत चीज़ें सिखा रहे हैं, बट वो ये सब और वीडियो बना के सिखा रहे हैं तो उसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा कि जैसे आमने सामने आप टीम के साथ में काम करो वो बढ़िया रहता, सब वर्क फ्रॉम होम जैसे ही काम कर रहे हैं। जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए तो सीखने को ज़्यादा मिलेगा, एक साल तो वैसे ही बर्बाद हो गया उनका भी, कॉलेज अभी तीन साल के लिए रहेगा है ना। तुम लोग बच गए, नहीं तो पूरा वैसे तुम लोग का टेंथ तो पूरा ही ऑनलाइन चला ना, इसके वजह एग्जाम भी नहीं। इस बार होगा ना टेंथ, क्या लगता है? टेंथ वाले सोच रहे प्रार्थना कर रहे रोज भगवान कैंसिल कर दो। सीबीएसई के दो हाफ टर्म और फुल टर्म क्या कंट्रोवर्सी? कैंसिल चल रही है अप्रैल या मई में। चलो ठीक है, एटलीस्ट हो जाए तो निकाल, मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हमने मतलब पूरे स्टेट लेवल का एग्जाम दिया है। बोर्ड एग्जाम देना भी मतलब छोटी बात थोड़ी, इतनी बड़ी बात है। बोर्ड में जाओ पूरा एकदम, कितना हम लोग तो नए नए पेन लेके आए थे सब कि बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, ठीक है, नया पैड पैड पे लिखना है और आंसर शीट और अलग ही मजा रहता। तो आंसर शीट मांग रहे, बाकी क्लास पूरी परेशान चल रही है, तुमने एक शीट भर दी, मैडम शीट मांगते थे तुम लोग, सप्लीमेंट बोलते थे, सप्लीमेंट जोर से चिल्लाए सारी क्लास है ना, यहाँ तो आई नहीं रही तो दूसरे शीट में बोल दिया। जनरली पर्पस लोग करते हैं ना, सभी लोग करते हैं, हम भी करते हैं, जिसकी हैंडराइटिंग बड़ी वो करेगा ना। तो नोट करके लिख लो, 12th का तो एग्जाम देने ही पड़ेगा तुम लोग को, लिखो द मिनिमम स्पीड टू बी गिवेन, द मिनिमम स्पीड टू बी गिवेन एट द बॉटम at the bottom is greater than or equal to is greater than or equal to is greater than or equal to under root 5 GL under root 5 GL full stop. The tension at the highest point is momentarily zero. The tension at the highest point is momentarily zero if the speed is under root 5 GL, if the speed is under root 5 GL, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन मोमेंटरली जीरो होता है अगर स्पीड कितनी हो, एग्जैक्ट अंडर रूट 5 GL, बट अगर मान लीजिए आपने अंडर रूट 7 GL दे दिया तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो होगा क्या? नहीं, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपकी स्पीड इसके बराबर है, इफ द स्पीड इज एग्जैक्टली दिस मच एट द बॉटम, तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज
जीरो, सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए। बट अगर आपकी स्पीड जो है इससे बड़ी है तो क्या टेंशन है कि हाईएस्ट पॉइंट कभी जीरो होगा? नहीं, कभी जीरो नहीं होगा। बस ये जो लिमिटिंग केस आता है उसमें मोमेंटरली हाईएस्ट पॉइंट डी पे टेंशन जीरो होता है, बट ज्यादा है तो टेंशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, सो ये लिख लो। और जैसे ही ये थोड़ा सा भी इधर आएगा टेंशन वापस रीडेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं लूपिंग द लूप, एक लूप को लूप बनाने के लिए। ठीक है, कितना मिनिमम स्पीड चाहिए? द रूट 5 gm मिनिमम। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन लिखो, अ बॉब ऑफ मास 1 kg, अ बॉब ऑफ मास 1 kg is tied to a string, is tied to a string, is tied to a string of length 2 meters, is tied to a string of length 2 meters. Find the minimum speed. 2 meter समझ रहे क्या? 2 meter काफी बड़ा है ना, ये अपना तो छोटा सा कुछ सेंटीमीटर ही था। Find the minimum speed to be given at the bottom. Find the minimum speed to be given at the bottom for completing an entire loop. कितना? 10 मीटर। सभी का आना चाहिए। मिनिमम कितनी स्पीड दे हम ताकि ये कंप्लीट, लेंथ कितना है? 2 meters, और ये कंप्लीट सर्कल करना चाह रहा है तो v मिनिमम कितना होगा, u मिनिमम कितना होगा? अंडर रूट 5 gm, तो ये कितना है? 5 gm कितना है? 10, और l कितना है? 2, टोटल कितना होगा? 100, अंडर रूट 100 कितना? 10 मीटर पर। इजी है? अच्छा, मान लीजिए मैंने उसको नीचे बॉटम पे 9.8 दिया तो क्या कंप्लीट सर्कल करेगा? नहीं, एग्जैक्टली 10 चाहिए। 10 से ज्यादा दिया तो करेगा, 10 पे कर रहा तो 10 से ज्यादा पे भी, बट 10 से अगर ज्यादा दी तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो नहीं होता, बट इतनी ही दी तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? टेंशन जीरो। ठीक है, ओके। अब केस 2 लिखो। मुझे यहाँ से उसको पटका मारना है, ऊपर से। अरे उसको तो ऐसे छोड़ो, नीचे गिर जाएगी वो। नहीं, उसको कुछ स्पीड दे रहे ना तुम। हाँ, कुछ भी स्पीड दो ऊपर, कुछ भी स्पीड दो। मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए उसकी? अंडर रूट जीएल तो होनी चाहिए। अंडर रूट जीएल दिए तो कम से कम घूम जाएगा वो वापस। अंडर रूट जीएल होनी चाहिए। अगर मान लो आपने कम स्पीड देके छोड़ा तो फिर वो प्रोजेक्टाइल करेगा, क्योंकि अगर आपने, सुनो, अगर हाईएस्ट पॉइंट से आप ऐसे दे रहे हैं तो अंडर रूट जीएल तो देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अंडर रूट जीएल नहीं दोगे तो उसका सर्कुलर मोशन नहीं होगा, वो थोड़ा सा जाके ऐसे फिर प्रोजेक्टाइल कर देगा। ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे थोड़ी सी स्पीड दी वो नीचे गिर जाएगी ऐसे। ठीक है, या कुछ भी नहीं दी तो फ्री फॉल करेगी। अगर आपने अंडर रूट जीएल दिया, तो टेंशन डेवलप होगा और वो गोल गोल घूमेगी और नीचे
अंडर रूट 5gn हो जाएगा और वापस पूरा गोल गोल घूमते हैं। अच्छा अब इसमें केस टू है कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, डालो कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन हाईएस्ट, सॉरी पूरा एंटायर लूप करने का अपने को कंडीशन पता है। अब है कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, ऑसिलेशन देखिए ऑसिलेट कहां से कहां पे करती है, ये आपका सेंटर है, ये इधर है और यहां से लेके इधर तक और यहां से लेके इधर तक, अगर वो एंगल 90 डिग्री तक, किधर तक 90 डिग्री तक, तो यहां पे तो यहां से यहां तक अगर वो घूम रही है ना तो इस दौरान वो क्या करेगी, ऑसिलेशन मूवमेंट करेगी। अच्छा ये देखो ध्यान से देखना इसमें क्या चीज जीरो हो रही है, ये आपने उसको ऊपर भेजा ठीक है, दो ही चीजें हैं टेंशन है और वेलोसिटी है ठीक है, तो आपने इसको ऐसे भेजा, ये ऊपर जा रही थी फिर ऊपर जाना बंद कर दी, ये ऐसे जाके ऐसे जा रही थी ऊपर जाना बंद कर दी और फिर नीचे जा रही, यानी अपना क्या कर रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रही है। वो कब चेंज कर सकती है, कोई भी चीज आगे जा रही है फिर पीछे आ रही है जब तक उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। तो ये देखो इस केस में क्या हो रहा है, इधर गई फिर रुकी फिर नीचे आई, यानी कि स्पीड क्या हो रहा है जीरो, और ये स्पीड जीरो कब तक हो सकता, जब तक 90 डिग्री होता है ना तब तक ऑसिलेट कर जाएगी, देखो कब तक 90 डिग्री तक, कब तक ऑसिलेट करेगी, देखो भाई जेठालाल तुम सो रहे हो आंखें खोलो मुन्ना आंखें खोलो उठ जाओ भाई उठ जाओ, क्या रात को जागरण कर रहे थे तो पानी आराम से कुछ स्नैक्स वैक्स है तो खा लो बस बस। कौन कमेंट मार रहे थे इस पे, कौन रोहित ये अर्जुन, अरे तुम इधर आ, अरे तुम्हें अच्छी जगह बैठा आ जाओ, मार रहे थे ना कमेंट मार रहे थे, नहीं नहीं तुम आ जाओ उसके साथ तो बैठने नहीं है, ऐसे दोस्त इससे तो बढ़िया दुश्मन अच्छे, आ जाओ आगे बैठो मनन के साथ, मनन के आगे, मन कितना सीधा बच्चा है बढ़िया बात करके रहे। जेठालाल नींद आ रही क्या, नट्टू काका बुलाओ नट्टू काका और दूसरे कौन रहते हो, अच्छा ठीक है जाने उनके पास, उठ गई क्या सच में, 9 बजे की क्लास करा दी, कितना लाइफ में चिल हो गया, पहले 8 बजे आना पड़ रहा था। ओके तो ऑसिलेशन कब तक होगा, जब तक एंगल 90 डिग्री और हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितना होगा यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे बीबी का स्पीड है जीरो, तो यहाँ पे मैं मिनिमम कितना स्पीड दूं ताकि ये एटलीस्ट 90 डिग्री तक पहुंच जाए, तो यहाँ पे वीए मान लो, अच्छा यहाँ पे स्पीड कितनी जीरो, यहां पे स्पीड VA, VA कितनी होगी अप टू 90 डिग्री तक जीरो हो जाए, अगर उससे पहले हुई तो यहां पे अगर जाके स्पीड जीरो हो गई तो यहां तक हो जाएगा, फिर वापस जी लग रहा है ग्रेविटी, ये यहां से यहां तक घूमेगा, मैक्सिमम कहां तक 90 डिग्री, 90 डिग्री तक आपका स्पीड क्या है जीरो हो जाना चाहिए, तो हमें क्या किया एकदम सिंपल सी चीज ली, यहां पर टेंशन टी नीचे क्या ठीक है। अच्छा अभी यहां पे ये देखो
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी मान लो जीरो, तो बताओ जरा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एम जी एल हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला अपना व्हाट इज एट पॉइंट ए व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए का स्क्वायर, कितना हाफ एम वी ए का स्क्वायर। जेठालाल यहां देखो, ये तो हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट बी पे बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना है एट पॉइंट बी, सिर्फ जेठालाल बताए, हाँ भाई बी भी कितना जीरो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितना कई को जीरो हाफ एम बीबी का स्क्वायर, बीबी कितना है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर अरे वन होता कितना होता जीरो होता, मतलब नींद में नहीं है ठीक, कितना है ये जीरो। पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी है कोई नहीं बताया,
देखो जब तक ये यहां तक नहीं पहुंच जाता ना, तब तक टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकता। यहां से यहां बताओ टेंशन कभी जीरो हुआ क्या इधर? नहीं, क्यों? क्योंकि टेंशन को बैलेंस करना पड़ेगा किसको? एन जी। तो टेंशन जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, कहीं पे भी जो हमने एक निकाला था ना, कुछ फॉर्मूला निकाला था बी पॉइंट पे, रैंडम बी पॉइंट पे, है ना, कितना निकला था? टेंशन इज एम जी एल बी टू स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो देखो बेटा, यहां तक इधर भी अगर आप हो ना, यहां पे भी, तो भी कोई टेंशन रहेगा, mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा रहेगा ही रहेगा। बट जब आप यहां पे आ जाते हो ना, तो टेंशन इधर है, बट mg का सारा किधर चला गया? नीचे। सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे टेंशन के जीरो होने की उम्मीद है, बट यहां से थ्रू आउट दिस ऑसिलेशन टेंशन कभी भी जीरो नहीं होता है। कौन जीरो हो सकता है ये क्वार्टर सर्कल में? कौन जीरो हो सकता है? वेलोसिटी। तभी वहां पे ऑसिलेशन का केस बनता है। यहां पे कुछ भी ऑसिलेशन होगा ही ऑसिलेशन यहां पे, ठीक है? जब यहां से लेके अप टू 90 डिग्री तक ऑसिलेशन ही रहेगा। अच्छा, फिर एक थर्ड केस पहले नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। From the bottommost point, till the bob makes 90 degree, from the bottommost point till the point when the bob makes 90 degree, till the point bob makes 90 degree किसके साथ में? with the vertical the tension is non zero full stop. The tension is non-zero full stop. Only the velocity, only the velocity can be zero. Only the velocity can be zero. And so will the bob perform oscillation. So the bob will perform oscillation. So the bob will perform oscillations. ये देखें, अब दूसरा केस क्या है? यहां से आपने बॉडी को नीचे से दिया, एक पुश दिया, वी ए स्पीड दिया, ये यहां से लेके यहां तक तो क्रॉस करे, फुल सर्कल ना करे। देखो ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी, ये पार्टिकल फुल सर्कल ना करे, सिर्फ और बी और डी के बीच में रहे। तो यहां पे क्या होगा बेटा? इन बिटवीन कहीं ना कहीं पे, मान लीजिए एंगल थीटा बनाया इसने, यहां पे इसका टेंशन जीरो हो जाएगा। क्या चीज जीरो हो जाएगी? टेंशन। मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, यहां पॉइंट सी पे टेंशन कितना? जीरो। और यहां पे स्पीड क्या रहेगा? वी सी। तो देखो ये थीटा, ये थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा। तो यहां पे बॉडी के पास में स्पीड रहेगा और ये क्या करेगा? ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है? व्हेन ये वाला कंडीशन कब आएगा? जब स्पीड किससे बड़ी हो? स्पीड किससे बड़ी हो? अंडर रूट 2gl से तो बड़ी हो, और किससे कम हो?
अंडर रूट 5gl से, अंडर रूट 5gl से कम है, इसका मतलब पूरा सर्कल करेगी क्या? नहीं। अच्छा इससे सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया, सही है? देखो यू को इससे तो छोटा और इससे बड़ा, तो क्वार्टर सर्कल तो क्रॉस कर जाएगी, कंप्लीट सर्कल कर नहीं पाएगी, इन बिटवीन रहेगी, तो यहां पे टेंशन कितना हो सकता है? जीरो। वी जो है बीसी नॉन जीरो का, बॉडी विल परफॉर्म प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? ठीक है, तो ये लिख लो केस थ्री। पहला केस था कंप्लीट सर्कल का, मैं लिख लिया जाए, इफ द बॉडी, इफ द बॉडी इज गिवन, इफ द बॉडी इज गिवन अ स्पीड ग्रेटर देन अंडर रूट 2gl, द बॉडी इज गिवन अ स्पीड ग्रेटर देन अंडर रूट 2gl but less than under root 5gl, but less than under root 5gl, then the tension will become zero, before the velocity, tension will become zero before the velocity, and the particle will perform a projectile motion, and the particle will perform projectile motion. ठीक है, फिर एक क्वेश्चन डालो। Find the angle. In the vertical circle, find
the angle in vertical circle where the tension is zero, where the tension is zero, where the tension is zero, where the tension is zero. ठीक है, for u, for ये condition लिख लो, for ये वाला u is greater than root 2 gl, पर गलत कर देंगे, अब सही, ठीक है, u जो है greater than root 2 gl है but less than root 5 gl है. अच्छा जरा देखो, इधर यहां पर टेंशन कितना हो रहा है, जीरो. मान लो ये देखो, ये एंगल मैंने ऐसे बनाया है, ध्यान से समझना, ये एंगल थीटा कहां से है, ये नीचे से 90 डिग्री तो क्रॉस कर गया है, और यहां से वर्टिकल से मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसको ए बोल दिया, इसको सी बोल देते हैं, एट पॉइंट सी. पॉइंट सी पे ये क्या है, टेंशन टी. तो अगर ये पॉइंट सी को मैं एनालाइज करूं, ये ओ है, यहां पे बॉब है, यहां पे टेंशन टी, नीचे क्या है, एम जी, ठीक है, और यहां पे इससे यहां पे इसकी स्पीड होगी कुछ बी सी, तो इसका ये स्पीड जो है, दिस इज बी सी, ये एम जी, इसके दो कंपोनेंट्स, ठीक है, एक ये हो जाएगा ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एम जी कॉस, और ये वाला एम जी साइन, ठीक है, ध्यान से समझना. यहां पे पॉइंट ए है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी मान ले, जीरो. यहां पे ये डिस्टेंस कितना है, एल, ये कितना है, एल, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला एल कॉस थीटा. तो ये बताइए यहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एल प्लस, ये समझ में आ रहा है क्या, ओके. तो जरा यहां पे पहले तो एक इक्वेशन यहां से देख लो, सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा है, टी, फिर और कौन सा लग रहा, एम जी कॉस थीटा, वो किसके बराबर है, एम बी सी का स्क्वायर बाय एल. यहां पे क्या चीज जीरो है, पॉइंट सी, एट पॉइंट सी टेंशन कितना है, जीरो. तो ये कितना हुआ, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी सी स्क्वायर बाय एल. तो यहां से बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी स्क्वायर इज जी एल कॉस थीटा, ये आया क्या, ओके, एक ही आ गया. अब दूसरा अपने को क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन. यहां पे फोर्स कौन सा काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स काम करता है, तो कौन सी चीज हो जाएगी, कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स में अपन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर U final plus K final. U initial कितना है? Zero. A पे कितना है? Zero. Kinetic energy कितनी है? Half M VA का square. Final energy कितनी है? M G L plus L cos theta. और final kinetic energy? Half M VC का square. यहां से cos theta की value निकाल लिया. क्या निकाल लिए? cos theta. सर VC, VC दे रखा है, कितना है? Under root GL cos theta. सर VA, VA दे रखा है आपको, कितना से कितना है? इसके बीच में कहीं पे आपको निकालना है value of angle theta, cos theta की value. आराम से सॉल्व करो.
खेतान मन नाक पेपर पार नहीं करो जैसे आधार करो चिंगी लो इतना वैसे काम नहीं करता सर आराम से छाप लो आराम से टाइम ही टाइम है कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। ये वर्टिकल सर्कल सर्कुलर मोशन में दिया रहता है कई बार, बट देखो जब तक वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आएगा, तब तक बता नहीं सकते आपको उसमें। पहले वर्क एनर्जी थ्योरम समझा के फिर ही ये बता सकते हैं आपको। तो किसी किसी बुक्स में, डीसी पांडे में और भी कई बुक्स में पहले इसी में देते हैं, सर्कुलर मोशन में सिखा देते हैं। वैल्यूज डाली मैंने फाइनल आंसर आ जाए। यहां से बता दो स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, दिस इज 2gn प्लस 2gn cos थीटा प्लस यहां पे ये भी है, ये वन वन हो जाएगा, bc का स्क्वायर gn cos थीटा। तो जरा ये देखो ba दिस इज 2gn, इन दोनों को ऐड कर दिया 3gn cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, va का स्क्वायर माइनस 2gn अपॉन 3gn, ये आना चाहिए और ये सबको रटना है। इसको बीच टाइम लिख लो, नहीं नहीं सिर्फ वैल्यू निकाल, सिर्फ वैल्यू निकालनी है, ये तो पता ही है कितना है, जीरो कितना आ जाएगा, ये जीरो से, जीरो से 90 डिग्री आएगा। कहां से कहां, ये यहां से लेके यहां तक कहीं पे भी टेंशन जीरो हो सकती, ठीक है। ये कोई भी आपको फिक्स वैल्यू दे तो उसके अंदर cos थीटा की वैल्यू है। आपको पूछेगा कितने एंगल पे जाके प्रोजेक्टाइल करेगा, तो एंगल निकाल सकते हो cos थीटा। ये थीटा कहां से मेजर किया है, वर्टिकल से, याद रखना भाई थीटा यहां से मेजर किया गया है। तो नीचे से कितना एंगल पहुंचा, 90 डिग्री, ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, बोला टॉप मोस्ट से कितना एंगल बना के प्रोजेक्टाइल किया, तो यहां से या तो 180 माइनस थीटा, ठीक है, इतना क्लियर। यस सर। ओके एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, ये कितने बार लिखना है आपको, 20 बार। cos थीटा इज इक्वल टू va स्क्वायर माइनस 2gn अपॉन 3gn, हम आ गए, पार्क किधर है और वो किधर है, डॉक्टर नहीं आ रहे,
सो उसमें एक पॉइंट एक क्वेश्चन लिखो छोटा सा, अ बॉल ऑफ मास 1 kg, बॉल ऑफ मास 1 kg इज अटैच टू अ स्ट्रिंग, बॉल ऑफ मास 1 kg इज अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 meter, इज अटैच टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 meter, फुल स्टॉप. It is initially given a speed of, it is initially given a speed of u is equals to, it is initially given a speed of u is equals to under root 38 meter per second. It is initially given a speed of u is equals to under root 38 meter per second. Find the angle where the tension is zero. 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 पहले देखो उसके लिमिट कहां तक है जहां तक ऑसिलेशन होगा, मतलब ये यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टेंशन जीरो के लिए, अंडर रूट 2gl से तो बड़ी और अंडर रूट 5gl से छोटी, तो क्या वो वैल्यू आ रही है अपने 37 कहां से 53 आ रहा. देखो ऑफिस से देखो 37 नहीं, ऊपर से 53. कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला. तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, va स्क्वायर माइनस 2gl डिवाइडेड बाय 3gl कॉस थीटा अंडर रूट 38 माइनस 2 g कितना है 10, लेंथ कितना है 1 3 10 और ये 1 कितना हुआ, ये 38 माइनस 20 18 बाय 30 कितना हुआ, ये 6/10 दैट इज 3/5 cos थीटा 3/5 थीटा की वैल्यू 53 कहां से ऊपर से, ठीक है. तो इसके बाद में क्या करेगा वो प्रोजेक्टाइल, कितनी स्पीड कितनी है 38. फाइंड नेक्स्ट लिखो इसी में सेकेंड पार्ट फाइंड द स्पीड व्हेन द टेंशन बिकम जीरो. फाइंड द स्पीड व्हेन द टेंशन बिकम्स जीरो. क्या फॉर्मूला क्या था, बीसी का निकाला था ना आपने, कितना आ रहा था बीसी अंडर रूट जीएल कॉस थीटा, जी कितना है 10, एल कितना है 1 और कॉस 53 कितना हो जाएगा
थ्री बाय फाइव कितना हुआ ये? बी सी जो है अंडर रूट 6 मीटर पर कितनों का आया? पक्का? अच्छा अब उसका मोशन कैसे होगा? प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल में क्या पूछेगा? रेंज पूछेगा, मैक्सिमम हाइट पूछेगा। तो इसमें इसमें रेंज पहले मैं कोई क्वेश्चन नहीं बता दूं यहाँ पर, ये सब लिख लिया है यहाँ पर। ओके अब आपसे यहाँ पे पूछेगा, देखो बेटा ध्यान से समझने का ट्राई करते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा पार्ट टफ है। ये यहां जाके प्रोजेक्टाइल कर रहा है, वी कितना है इसका? अंडर रूट 6 मीटर पर सेकंड। यहां पे चीज क्या हो रही है? टेंशन जीरो। तो ये ऐसे जाके ऐसा मोशन कर रहे, ठीक है। तो अब उस पर थर्ड पार्ट लिखे, थर्ड पार्ट लिखे। व्हेन इट परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल, व्हेन इट परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल देन फाइंड, व्हेन इट परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल देन फाइंड, व्हेन इट परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल देन फाइंड, व्हेन इट परफॉर्म्स प्रोजेक्टाइल देन फाइंड दी range, then find the range and maximum height and find the range and maximum height, ठीक है। अब इसका projectile देख लो, यहां से यहां तक का range कितना हुआ और एच मैक्स कितना हो गया? ये वाला एंगल पता है क्या आपको? कितना उसका एंगल था? वो 53। तो कहां से था? वर्टिकल 53 वर्टिकल से। तो यहां से कितना? 30। ये देखो ये ऐसा एंगल है, ये कितना 90, यहां से इसका एंगल कितना 90, ये कितना 53, तो ये कितना 37, ये कितना कितना स्पीड रूट 6। तो निकाल लो ना यार एंगल पता चल गया। टाइम ये पता है क्या उसका फॉर्मूला रेंज और इसका कितना है रेंज का? यू स्क्वायर निकालो, जरा एच मैक्स निकाल लो और रेंज निकाल लो।
विराट को रन निकाल दिया कैप्टनसी से, निकाल दिया। अब किसके बारे में? रोहित शर्मा, उसको भी निकाल देंगे। बनाए किसके लिए? बकवास है, हिमालय हो रहा है। इंडिया में कुछ ऐसा चल रहा है कि दो टीम होनी चाहिए, दो अलग अलग जगह पे सीरीज चले। अच्छा हार गए फिर? आजकल तो हार ही नहीं है ना। ठीक है, ये आ गया क्या? इसको सॉल्व कर लेना। अब थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, कल अपन इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब जरा क्वेश्चन बैंक निकालो, कितना